Hello children, good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study subject GK of class 4, right? We have completed up to chapter number 16. Now we are moving further with chapter number 17, Man and Space. Okay, now see here. The space shuttle is a reusable spacecraft which is designed to make repeated journey between Earth and space. Was built in America. Okay? ये जो space shuttle है वो किसने बनाया था? अमेरिका ने. क्यों बनाया था? क्योंकि Earth से लेके space तक की journey हो सके ना. आप tour पे जाते हो? Tour पे जाते हो ना? अलग अलग places पे घूमने. Likewise, अमेरिका ने space shuttle बनाया. क्यों? क्योंकि Earth से हम space पे जा सके. The first shuttle mission was flown by the shuttle called Columbia in 1981. ये कौन से ईयर में हुआ? 1981. और जो वो first space shuttle था, उसका नाम क्या था? Columbia. Okay. Now, an American businessman, Dennis Tito, was the first space tourist. Tourist मतलब जो लोग tour पे जाते हैं, उनको हम tourist बोलते हैं, है ना? अगर आप यहाँ पे हलोल से आप दीव घूमने जा रहे हो तो दीव प्लेस के लिए आप क्या हुए? टूरिस्ट पर्सन हुए, है ना? आप घूमने गए हो वहाँ पे. वैसे ही ये जो डेनिस टीटो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट? तो ये जो है वो अर्थ से कहाँ जाता है? स्पेस पे. और ये फर्स्ट पर्सन है जो कि स्पेस पे ट्रैवल करता है, राइट? सो ये जो है डेनिस टीटो वो फर्स्ट पर्सन है और वो कौन सा है? कौन है? अमेरिका का बिजनेसमैन. ये तुम्हें याद रखना है. ओके, अभी देखो. ही पेड $20 million टू रशिया टू ट्रैवल इनटू स्पेस इन 2001. 2001 में इसने ट्रैवल किया और इसने कितने पैसे दिए? इसने $20 million दिए. किसको? रशिया को, ताकि ये स्पेस पे ट्रैवल कर सके. हम जब कोई प्लेस पे घूमने जाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना, है ना? ट्रैवल डिस्टेंस. आप यहाँ से कहीं बस में जाओगे तो आपको बस की टिकट लेनी पड़ेगी ना, तब आप दूसरी प्लेस पे जा सकते हो. आप अगर हालोल से नॉर्मली बड़ौदा भी जाते हो तो बस की टिकट लेनी पड़ती है ना. ऐसे कोई बस में ट्रैवल करने देगा? नहीं देगा, राइट? तो हम जब टिकट लेते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना. लाइक वाइज डेनिस टीटो जब अर्थ से स्पेस पे जाता है तो वो $20 million पे करता है. किसको? रशिया को. और ये कब हुआ था? 2001 में. वॉयेजर 2 लेफ्ट द अर्थ इन 1977 एंड रीच नियर नेपट्यून 12 इयर्स लेटर इन 1989. अभी नेपट्यून जो है वो एक प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है. प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया? प्लैनेटीज में से. ग्रीक का एक वर्ड है प्लैनेटिस, जिसका मतलब होता है वंडर. ओके, उसमें से वर्ड बना प्लैनेट. तो हमारी सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना? नेपट्यून, मार्स, वीनस, जुपिटर, है ना? ये सारे प्लैनेट्स हैं. तो ये जो अर्थ पे से वॉयेजर 2 नाम का एक स्पेस क्राफ्ट है वो 1977 में अर्थ से लेफ्ट हुआ और नेपट्यून पे पहुंचा. नेपट्यून नाम के प्लैनेट पे कब पहुंचा वो? 12 इयर्स के बाद, मतलब कौन से साल में? 1989 में. समझ में आया? हम जब हालोल से बड़ौदा जाते हैं, समझो आप 5 o'clock निकले हो, ठीक है, और 6 o'clock आप पहुंचते हो, तो क्या होगा? यू लेफ्ट हालोल एट 5 o'clock एंड यू रीच बड़ौदा एट 6 o'clock. ओके, सो लाइक वाइज यहाँ पे वॉयेजर 2 नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है वो अर्थ से कब निकला? 1977 में. इसलिए यहाँ पे लेफ्ट वर्ड यूज किया, लेफ्ट द अर्थ 1977. और वो स्पेस क्राफ्ट कहाँ जा रहा था? नेपट्यून. तो वो नेपट्यून प्लैनेट पे कब पहुंचा? 12 इयर्स के बाद, दैट इज 1989. इट इज नाउ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम. अब तक वो कहाँ है? अभी भी वो नेपट्यून पे होगा? नहीं, वो सोलर सिस्टम से भी बाहर चला गया. And will probably keep going for a very long time. Now, Mars orbiter mission.
लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन 2013। अब यहाँ पे MOM जो स्पेस क्राफ्ट है वो किसने लॉन्च किया था? श्रीहरिकोटा ने। कब? 2013 ईयर में। ओके, कौन से साल में लॉन्च हुआ था? 2013 में। ओलंपियस मून इज द लार्जेस्ट 22 किलोमीटर वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। अभी दूसरा वोल्केनो जो है, वोल्केनो का नाम क्या है? डू यू नो व्हाट इज वोल्केनो? है ना, पता है ना आपको? ओके गुड। नाउ ओलंपियस मॉन्स, ये जो है वो सबसे बड़ा वोल्केनो, और ये वोल्केनो कितना लॉन्ग है? 22 किलोमीटर लॉन्ग है। विच एग्जिस्ट ऑन मार्स, ये वोल्केनो कहाँ पे है? मार्स में। हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे, राइट? एरिजा मॉन्स इज द अनदर लार्ज वोल्केनो। दूसरे वोल्केनो की बात की है, वो दूसरा वोल्केनो जो है वो भी लार्ज है। कितना लार्ज है? 12 किलोमीटर। और वो वोल्केनो कहाँ पे है? वो भी मार्स पे। विच इज 30 टाइम्स बिगर देन मौना लोआ इन हवाई, द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ। अर्थ पे कौन सा वोल्केनो है? मौना लोआ इन हवाई। ओके, ये वोल्केनो जो है इससे भी 30 टाइम्स बिगर है। कौन सा वोल्केनो? एरिजा मॉन्स। ये वोल्केनो इससे भी 30 टाइम्स लार्ज है। ओके, नाउ सी विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मैंने पहले ही बताया हमारी सोलर सिस्टम में बहुत प्लैनेट है, तो उसमें रेड प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं? तो वो है मार्स। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। सोलर एनर्जी रिलीज बाय द सन कॉल्ड, सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी, है ना। सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, राइट। सोलर एनर्जी से बहुत सारे काम हो सकते हैं ना, सोलर एनर्जी से कुकिंग भी होता है। डू यू नो दैट? यस। नाउ सी व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड। अभी यहाँ पे जो है आपको पता है कि सन अर्थ के राउंड मूव करता है या अर्थ सन के राउंड? डू यू नो? डे होता है फिर नाइट होती है, तो वो कैसी होती है? आपको पता है डे और नाइट कैसे होता है? सन जो है हमारे सोलर सिस्टम में, सन जो है वो एक ही जगह पर रहता है। हमारे सोलर सिस्टम में सन जो है वो एक ही जगह पे होता है, पर हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, वो जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी कि अभी देखो अर्थ यहाँ पे है, फिर अर्थ यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, है ना। जैसे कि ये चौक है, इसको मैं रिवॉल्व कर रही हूँ बुक के अराउंड, है ना, पर बुक को चौक के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रही हूँ। लाइक वाइज अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है, जिसकी वजह से डे या फिर नाइट होती है। समझ में आया? नाउ सी, और ये जो अर्थ की मूवमेंट है, ये जो अर्थ की मूवमेंट है, जो अर्थ है वो सन के जब गोल गोल घूमता है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। समझ में आया? नाउ सी हियर, नेम द फर्स्ट स्पेस प्रोब ऑफ इंडिया टू मार्स। इंडिया से जब मार्स पे कौन सा पहला स्पेस क्राफ्ट गया? इंडिया से, मैंने इंडिया से बोला है, और वो भी मार्स तक। तो क्या आएगा? मार्स ऑर्बिटरी मिशन, हमने पढ़ा था ना उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? MOM। क्लियर अप टू हियर? नाउ सी, चूज द करेक्ट आंसर्स। जर्नी बिटवीन अर्थ एंड स्पेस वॉज बिल्ट इन, सबसे पहली जर्नी अर्थ से स्पेस पे जाने की किसने बनाई? अमेरिका ने। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, हियर यू विल राइट अमेरिका। नाउ सी, डेनिश टीटो पेड मिलियन डॉलर्स टू ट्रैवल टू रशिया टू ट्रैवल इनटू स्पेस। स्पेस पे जाने के लिए डेनिश टीटो जो है, डेनिश टीटो कौन था? अमेरिका का बिजनेसमैन, है ना। तो डेनिस टीटो जो है उसने कितने डॉलर्स पे किए थे रशिया को स्पेस पे जाने के लिए? कितने डॉलर्स थे? 20 डॉलर्स, राइट, 20 मिलियन।
dollars. समझ में आया? Now see, which planet is known as red planet? हम red planet किसको बोलते हैं? Mars को, है ना? Now which planet is hottest planet? Hottest planet कौन सा है? Venus. And what is the energy released by the sun? Cold. हमें सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलार एनर्जी. सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम सोलार एनर्जी बोलते हैं. और इस